हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो है एक देशी हेल्दी ड्रिंक। वैसे तो हम सब हेल्दी ड्रिंक्स पीते ही रहते हैं, लेकिन ये जो देशी हेल्दी ड्रिंक है वो शायद आप लोगों में से सबने नहीं पिया होगा। तो चलिए इस ड्रिंक को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं रागी। आधा कटोरी हमने रागी ली है, ये छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, तो हमने आधा कटोरी रागी ली है और आधा कटोरी ही हमने ली है ज्वार। और इन दोनों को, ज्वार और रागी को, हम ग्राइंड करेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे। सो हम मिक्सी के जार में इसे डाल देते हैं। तो रागी और ज्वार का हमें पाउडर बनाना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है, लेकिन बहुत दुरदुरा भी नहीं, कम दुरदुरा बनाना है इसे, हमें कम दुरदुरा बनाना है। और ये बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाता है, और कुछ इस तरह का, बस कम दुरदुरा बनाना है, फाइन भी नहीं बनाना है। तो चलिए, अब हमने लिया है एक कटोरी बाजरे का आटा। बाजरे का आटा ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने बाजरे का आटा ले लिया है और इन दोनों का हमने आटा बना लिया है। और आटा बनाने के बाद में ये दोनों कटोरियाँ भी फुल हो जाएगी। तो अब हमने लिया है एक बड़े भगोने में छाछ, लगभग 1 लीटर के करीब छाछ होंगी, और छाछ खट्टी ही ले तो अच्छा है। और अब हमने इसमें रागी और ज्वार का आटा ऐड कर दिया है, और ये जो बाजरे का आटा है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक लेंगे, तो अभी मैं इसमें 1.5 चम्मच के करीब ले रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि नमक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसमें पानी ऐड करने वाले हैं, ढेर सारा पानी ऐड करने वाले हैं। और उससे पहले हम इसे मिक्स कर देते हैं रई की सहायता से। तो ये मिक्स हो गया है, और अब हम इसमें लगभग 1.5 केजी के करीब, लगभग 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड कर देते हैं। और पानी हमें कुछ इसी तरह से ऐड करना है, ऊपर से धार बनाते हुए पानी ऐड करना है। और अब इसके ऊपर एक साफ सूती कपड़ा हम बांध देंगे, या फिर इस तरह का रबर बैंड मैं लगा देती हूँ। और इसे बिना हिलाए डुलाए हम 2-3 घंटे के लिए या तो धूप में रख देंगे, और अगर धूप नहीं है तो घर में कोई भी गर्म कॉर्नर है, वार्म कॉर्नर है, उसमें हम रख देंगे बिना हिलाए डुलाए। तो मैंने इसे दोपहर में रखा था, और अब शाम हो गई है, और अब इसका पानी हम, इसका कपड़ा है वो उतार देते हैं बिना हिलाए डुलाए, बहुत ही आराम से। और इसका पानी जो है वो बिल्कुल से ऊपर आ गया है, और ये जो पानी है वो हम एक अलग भगोने में निकाल लेते हैं आराम से, धीरे धीरे। तो ये पानी हमने पूरा निकाल लिया है, और नीचे का जो बैटर है वो रह गया है हमारे पास। और पानी को हम बॉईल कर रहे हैं, हाई फ्लेम ही कर रखी है हमने। और पानी बॉईल हो गया है, तो हम इसमें ये जो हमारे नीचे बचा हुआ बैटर जो है भगोने के अंदर, जो नीचे बच गया था वो बैटर, एक बार हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और इसे हम बॉइलिंग वाटर के अंदर बहुत ही धीरे धीरे आराम से ऐड कर देते हैं, और भगोने में थोड़ा सा पानी डालकर, ताकि भगोने का मसाला है वो निकल आए। सो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं। हालांकि भगोना मैंने थोड़ा छोटा लिया है, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा। और अब हम इसे लगातार चलाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट आने तक और इसमें थिकनेस आने तक हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे। गैस की फ्लेम हाई है, तो ये देखिए थिक भी हो गया है और बॉइलिंग पॉइंट पर भी आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे धीमा, यानी गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और इसे 8-10 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर, 8-10 मिनट के लिए कुक होने के लिए। बीच बीच में हमें इसे चलाना जरूर है। तो 8-10 मिनट हो गई है, और देखिए ये
बनकर तैयार हो गया, कुक हो गया है, तो हमारी भाषा में हम इसे राबड़ी बोलते हैं, नॉट रबड़ी, राबड़ी बोलते हैं। तो ये कुक हो गया है और अब इसे हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। नॉर्मल टेम्परेचर जब हो जाएगा तो हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और अब मॉर्निंग टाइम है, सुबह का टाइम है, तो मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। और देखिए ये कुछ इस तरह का है, थोड़ा गाढ़ा या पतला हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहां से इसे कट करूं, सो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अब हम इसे एक स्ट्रेनर की सहायता से स्ट्रेन कर लेते हैं। तो पूरा का पूरा ड्रिंक हम एक साथ स्ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन हमें मसाले वगैरह उतने ही ड्रिंक में मिलाना है जितना कि हमें सेवन करना है। तो अभी हमने इसे फिल्टर भी इतना ही किया है, पूरा का पूरा फिल्टर नहीं किया है। और अब हम इसमें लेंगे छाछ। तो छाछ हमने 1.25 केजी और 1 केजी के करीब छाछ लिए, लेकिन पूरी की पूरी छाछ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, आधी छाछ हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो छाछ कम हो या ज़्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये ऑप्शनल भी है। अगर छाछ नहीं मिलाएंगे तो इसका जो फ़ायदे हैं इसके वो कम नहीं होंगे। और बस छाछ हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। वैसे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, वैसे बहुत पहले से ही अच्छा होता है। तो हमने छाछ भी इसमें ऐड कर दी है। और अब हम इसमें रोस्टेड जीरा पाउडर ले रहे हैं, आधा चम्मच के करीब हमने जीरा पाउडर लिया है। और ये है ड्राई मिंट पाउडर, सूखा पुदीना पाउडर, इतना ही हम इसमें पुदीना पाउडर ऐड कर देते हैं। और आप फ्रेश पुदीना भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो हमने जीरा पुदीना मिक्स कर दिया है और अब हम पीने की तैयारी में ग्लासेस में पोर कर देते हैं। तो ये जो ड्रिंक है वो हेल्दी तो है ही है, साथ ही ये सस्ता भी बहुत ज़्यादा है। आजकल तो समर सीजन में ये मार्केट में भी खूब बिकता है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं काला नमक, थोड़ा सा हल्का सा, वैसे तो हमने सॉल्ट इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा पुदीना पाउडर, फिर से ऐड कर रहे हैं पुदीना पाउडर, और जीरा पाउडर भी फिर से ऐड कर रहे हैं। और ये जो बारीक कट किए हुए प्याज है इसको हम ऊपर से डाल देते हैं, समझ लीजिए कि हम गार्निशिंग कर रहे हैं प्याज से। और अगर आप प्याज खाते हो तो इस राबड़ी के साथ में प्याज ज़रूर खाइएगा। और बाकी ग्लासेस में भी हम मसाले डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो समर सीजन में यानी गर्मी के टाइम में जो गर्म हवाएं चलती है, लू चलती है, वो लू इस ड्रिंक के पीने से ठीक हो जाती है। और जो लोग लू से बचे हुए होते हैं तो इस ड्रिंक के पीने से वो और बचाव होता है इस ड्रिंक के पीने से उनका। तो समर सीजन में इस ड्रिंक को हमें ज़रूर पीना चाहिए, और जो लोग बाहर जाते हैं उनको तो इसे ज़रूर ही सेवन करना चाहिए। तो चलिए ड्रिंक हमारा पीने के लिए तैयार हो गया है, और अब हम एक बाउल में भी इसे ले लेते हैं। और प्याज को हमने कुछ इस तरह से कट किया है। बचपन में जब हम छोटे थे तो कुछ इस तरह से हम प्याज को कटोरी नुमा या चम्मच नुमा बना के और इसका सेवन करते थे, यानी खाते पीते थे। तो ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप लोग इस तरह से ही इसे खाए और पिए, जैसे आपकी मर्जी हो आप इसका सेवन करें। तो इसमें भी हम ये मसाले वगैरह ऐड कर देते हैं, और खाना खाते समय भी आप इसको इसके खाने के साथ में इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये हमारा देशी ड्रिंक है वो तैयार हो गया है। तो आप लोगों में से किस किस ने ये ड्रिंक पिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक ईट हेल्दी लिव वेल्दी।